स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट। अब बहुत सारे प्लांट्स में ऐसा होता है कि जो टेप रूट्स होते हैं वो स्वॉलन हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने लिए स्टोर करते हैं फूड को, उन रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करने के लिए वो क्या हो जाते हैं, वो स्वॉलन हो जाते हैं। इस तरह से जो उनकी नॉर्मल स्टेम होती है वो उसमें भी मॉडिफिकेशन आ जाती है और वो रिड्यूस हो जाती है। और यहाँ पर सिर्फ रूट ही स्वॉलन नहीं होता ऐसे प्लांट्स में, बल्कि हाइपोकोटाइल का एक पार्ट भी इसके साथ स्वॉलन हो जाता है फूड के स्टोरेज की वजह से। अब इस स्टोरेज जो ये करता है फूड का, इसकी वजह से जो रूट है उसकी डिफरेंट, वो अपने शेप्स को भी बना लेता है, उसके डिफरेंट शेप्स हो जाते हैं। लाइक हमारे पास जो फर्स्ट वन है वो है कॉनिकल टेप रूट। अब कॉनिकल टेप रूट में क्या होता है, यहाँ पे जो बेस होगा वो ब्रॉड होगा और जो एपेक्स होगा, एपिक्स यहाँ पे होता है टेपर। एग्जाम्पल है हमारे पास रेडिश और कैरेट। फॉर एग्जाम्पल हम पहले कैरेट को देख लेते हैं। So, मैंने सही बनाया हो, ये हमारे पास एक कैरेट है। लेट्स सपोज ना जो रेड या ऑरेंज कलर का होता है जो हम कहते हैं, वो होता है एक्चुअली इसका रूट, प्राइमरी रूट होती है वो, ठीक है। उससे अगर आप देखें तो छोटे छोटे उससे हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर निकली होती हैं, वो क्या होती हैं, वो होती है सेकेंडरी रूट। अभी मैं आपको कैरेट का पूरा स्ट्रक्चर बता रही हूँ, ठीक है। ऊपर जो रेड वाला पोर्शन होता है उसके ऊपर हमें ग्रीन सा स्ट्रक्चर नजर आता है, वो क्या होता है, वो इसका रिड्यूस स्टेम होता है, रिड्यूस स्टेम, क्योंकि इसका जो रूट वाला पार्ट है वो तो स्वॉलन हो गया है, तो उसकी वजह से जो स्टेम होती है वो रिड्यूस हो जाती है और उसके ऊपर जो होती हैं वो ग्रीन ग्रीन लीव्स जो होती हैं वो एक्चुअली इसकी रेडिकल लीव्स होती हैं, ठीक है। तो ये कैरेट का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम देखते हैं कि कॉनिकल टेप रूट में हमने ये एग्जाम्पल लिया है, तो ये अगर आप देखें यहाँ पे इसको हम बेस कह रहे हैं, क्योंकि ये एपेक्स हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अगर आप देखिए ये टिप की तरह है ना, तो टिप जो है इसकी या जो एपेक्स है वो टैपर है। हमने क्या कहा कि एपेक्स इसका टैपर होगा और जो बेस होगा या जो ऊपर वाला पार्ट है इसका वो ब्रॉड होगा। तो ये हमारे पास कैरेट का स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड है हमारे पास नेपीफॉर्म टेप रूट सिस्टम, नेपीफॉर्म टेप रूट। अब इसमें क्या होता है, नेपीफॉर्म टेप रूट में जो रूट होता है वो बहुत ज्यादा स्वॉलन हो जाता है, रूट इज टू मच स्वॉलन, ठीक है, स्वॉलन टू मच। और जो इसका टेपर होगा या जो सॉरी जो इसका एपिक्स होगा या लोअर एंड जो होगा इसका लोअर एंड, वो क्या हो जाते हैं, वो टेपर हो जाते हैं एब्रप्टली। एब्रप्टली टेपर का मतलब क्या है कि ऊपर से आपको बहुत ब्रॉड नजर आएंगे, अचानक से डायरेक्टली इसमें एक जगह टेपर हो जाएगी। मतलब हमने कैरेट के केस में देखा कि आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से टेपर हो रहा है ना, लेकिन यहाँ नेपीफॉर्म वाले टेप रूट में या पहले तो ये ब्रॉड होगा और फिर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, टेपर हो जाएगा। एग्जाम्पल है हमारे पास टर्निप और बीट, अभी डायग्राम से आपको समझ आ जाएगा। अब ये क्या है, ये है हमारे पास टर्निप। तो अगर आप देखें ये जो हम जो पार्ट हम इसका खाते हैं ना टर्निप का, वो क्या होता है, वो होता है प्राइमरी रूट। और यहां से उसकी जो स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकली होती हैं वो होती हैं इसकी सेकेंडरी रूट्स। ये यहाँ पे इसके भी रिड्यूस स्टेम होता है जस्ट लाइक कैरेट, और लीव्स इसके ऐसे नहीं होते, ये मैंने वैसे बना लिए हैं, लीव्स इसके थोड़े से चेंज होते हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो इसका ऊपर वाला पार्ट है ये बहुत ज्यादा स्वॉलन है, ठीक है, लेकिन जो लोअर एंड है वो इसका टैपर है। इस तरह के रूट को हम कहते हैं नेपीफॉर्म टेप रूट, जहाँ पे जो एंड होती है लोअर एंड होती है वो डायरेक्टली टैपर हो जाती है, जहाँ पे वो ऐसा ऐसा टैपर होती है एपेक्स की तरफ वो होता है कॉनिकल टेप रूट, और जहाँ पे डायरेक्टली टैपर हो जाती है वो होता है नेपीफॉर्म टेप रूट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि टर्निप और ये जो कैरेट है इसके बोटानिकल्स ने बताएंगे मुझे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास फ्यूजीफॉर्म टेप रूट सिस्टम। तो फ्यूजीफॉर्म टेप रूट सिस्टम में क्या होता है कि इसकी जो शेप होती है वो स्पिंडल की तरह होती है, ठीक है, स्पिंडल की तरह अगर शेप है तो उसको हम क्या कहेंगे कि स्पिंडल की तरह अगर शेप वाली है एक रूट तो उसको हम कहेंगे फ्यूजीफॉर्म टेप रूट। और ये क्या होता है कि मिडल में ये स्वॉलन होती है और फिर एंड्स की तरफ ये क्या होती है, ये होती है टैपर्ड। एग्जाम्पल है हमारे पास इंग्लिश रेडिश, ये है प्राइमरी रूट, ये है इसके सेकेंडरी रूट्स, और यहां पे ये इसकी रिड्यूस्ड स्टेम है,
ठीक है, ये इंग्लिश रेडिश है। तो हमने पढ़ा मॉडिफिकेशन ऑफ टेप रूट सिस्टम में, हमने पहले क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कॉनिकल टेप रूट, फिर हमने पढ़ा नेपिफॉर्म टेप रूट एंड देन फ्यूजी फॉर्म टेप रूट। बच्चों इसके बाद है हमारे पास स्पेशल टाइप्स ऑफ टेप रूट्स, जो टेप रूट्स है इसके बारे में हम काफ़ी डिटेल में पढ़ चुके हैं, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी उसको देखिए, टेप रूट के बारे में हमने काफ़ी डिटेल में बात की है। अब यहाँ पे लास्ट टेप रूट के रिलेटेड एक टॉपिक है, वो है स्पेशल टाइप्स ऑफ टेप रूट्स। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्पेशल टाइप ऑफ टेप रूट है वो है नोड्यूलेटेड रूट्स। अब रूट्स जो होती हैं, ये जो रूट्स होती हैं नोड्यूलेटेड टेप रूट्स, ये कौन सी फैमिली में हमने देखी है इसको, ये करेक्टरिस्टिक्स है किस फैमिली के मेंबर्स की, एक खासियत है ये फैमिली लिगेमोनेसी। इसमें कौन कौन से मेंबर्स आते हैं, जैसे कि पी प्लांट है या जो ग्रेम है या इवन कुछ ग्रासेस हैं, उन सब में ये नोड्यूल्स देखे गए हैं, ठीक है, नोड्यूलेटेड रूट्स वहां पे देखे गए हैं। अब ये जो रूट्स होते हैं ये भी टिपिकल टेप रूट की तरह ही होते हैं, लेकिन फर्क क्या होता है कि यहाँ पे जो सेकेंडरी रूट्स होते हैं, मोस्टली सेकेंडरी रूट्स में वहां पे स्वेलिंग्स होती हैं, ग्लोब्यूलर स्वेलिंग्स होती हैं स्मॉल स्मॉल, और वो बेसिकली क्या होती हैं, ये नोड्यूल्स होते हैं, इनको हम ट्यूबरकल्स भी कह सकते हैं, इनको हम नोड्यूल्स भी कहते हैं। और ये नोड्यूल्स या जो ट्यूबरकल्स हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि ये प्रोवाइड करते हैं शेल्टर किस चीज़ के लिए, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के लिए। ये होप सो आपको इस पिक्चर में ये सही से नजर आ रहा होगा, ये हमारे पास नोड्यूलेटेड प्लांट की एक पिक्चर है। लेकिन चले मैं यहाँ डायग्राम से भी आपको समझा देती हूँ कि ये जो नोड्यूलेटेड रूट्स होते हैं ये किस तरह से होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये है प्राइमरी टेप रूट, ठीक है, और ये है सेकेंडरी, इससे आगे जाके और हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलेंगी फिर, ठीक है, ये क्या है, ये है सेकेंडरी टेप रूट। अब हमने कहा कि जो नोड्यूल्स होते हैं ये ज्यादातर कहाँ प्रेजेंट होते हैं, सेकेंडरी टेप रूट में, तो यहाँ इस तरह से ये प्रेजेंट होंगे, इधर फिर इधर, और इन नोड्यूल्स में क्या प्रेजेंट होंगे, बैक्टीरिया जो क्या करेंगे, नाइट्रोजन को फिक्स करेंगे। प्लांट के लिए वो क्या हेल्प कर रहे हैं, प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हर एक नाइट्रोजन को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो पहले जब वो उस फॉर्म में आ जाए जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको उस फॉर्म में लाने के लिए प्लांट्स को बैक्टीरिया चाहिए, वो बैक्टीरिया इसकी हेल्प कर देता है नाइट्रोजन फिक्सिंग में, और ये प्लांट बदले में इस बैक्टीरिया के लिए क्या कर रहा है, ये इसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं। ये थी हमारे पास नोड्यूलेटेड रूट्स। अब नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट भी एक टाइप है, स्पेशल टाइप है टेप रूट की, और वो है बटरेस रूट। वो क्या है, बटरेस रूट्स। अब बटरेस रूट्स क्या होती है, ये लेटरली कंप्रेस्ड होती है साइड से, ये क्या होंगी, कंप्रेस्ड होंगी, और वर्टिकली एलोंगेट होती है, कंप्रेस्ड लेटरली जबकि वर्टिकली बहुत ज्यादा एलोंगेट होंगी, ठीक है, और इसका काम क्या है, ये एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करता है किसको, स्टेम को। और ये कौन कौन सी प्लांट्स में देखी गई हैं, इसकी एग्जांपल्स में जो प्लांट्स आते हैं वो है रबर एंड आलमंड, और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं लेकिन यहाँ ये दो एग्जांपल्स हैं, आलमंड प्लांट्स। डायग्राम मैंने बनाया है, पता नहीं सही आया है या नहीं, लेकिन इसमें क्या हुआ है कि ये लेटरली कंप्रेस्ड हैं, ठीक है, ये रूट्स जो हैं ये लेटरली कंप्रेस्ड होंगे। ये था जी लास्ट टॉपिक हमारे पास टेप रूट सिस्टम का, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।